हेलो फ्रेंड्स, मैं राखी। होम फूड एंड मी चैनल में आप सभी का स्वागत है। माझ्या गावी मालवणला काजूच्या खूप फॅक्टरीज आहेत, तर मग ठरवलं आज काजूचीच काही रेसिपी बनवायची। आपको यकीन नहीं होगा कि काजू कतली बनाना इतना आसान होगा, तो मेरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैंने यहाँ पे लिया है सिल्वर वर्क, जो हम काजू कतली के ऊपर लगाएंगे। हाफ कप शुगर, 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, 1 कप काजू, 2 टेबलस्पून घी और बटर पेपर। अब हमें बनानी है काजू की पाउडर, तो मिक्सिंग जार में हम ये काजू डालेंगे और स्मूथ पाउडर बनाएंगे। जब हम काजू की पाउडर बनाएंगे तो याद रखें कि मिक्सर हमें लगातार नहीं चलाना है, 2-4 सेकेंड्स के लिए चलाएं और फिर ये पाउडर अच्छे से मिक्स करें, नहीं तो काजू ऑयल छोड़ देगा। ये प्रोसेस हमें 3 से 4 बार करनी है, जब तक काजू की स्मूथ पाउडर नहीं बनती। इसी तरह से काजू की पाउडर हमें बनानी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। यहाँ हमारी काजू की पाउडर बन चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। स्मूथ और टेस्टी काजू कतली बनाने के लिए मिल्क पाउडर बहुत जरूरी है। काजू के पाउडर को और मिल्क पाउडर को हम अच्छे से मिला देंगे। हलवाई भी काजू कतली बनाने के लिए मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए उनकी काजू कतली मुंह में घुल जाती है। अब हम बनाएंगे चाशनी। चाशनी बनाने के लिए हम एक पैन में 1/2 कप चीनी डालेंगे। काजू के 1/2 गुना मैंने चीनी ली है। 1/2 कप पानी डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से पकाएंगे। 8 से 10 मिनट के लिए हमें इसे अच्छे से पकाना है। आप देख सकते हैं हमारी चीनी अच्छे से घुल चुकी है। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें देख सकते हैं बबल आना शुरू हो गया है। हमें इसमें एकता चाशनी नहीं बनानी है। अब हम इसमें डालेंगे काजू की पाउडर और मिल्क पाउडर का बनाया हुआ मिक्सचर और अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब हमें इसे अच्छे से पकाना है, लगातार चलाना है, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। आप देख सकते हैं काजू और मिल्क पाउडर अच्छे से मेल्ट हो चुके हैं। इसे आपको तब तक पकाना है जब तक ये पूरा स्मूथ ना हो जाए। अब ये मिक्सचर थोड़ा गाढ़ा हो चुका है, हम इसे एक प्लेट में निकाल देंगे। प्लेट को हम घी लगा के अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, ताकि ये काजू और मिल्क पाउडर का मिक्सचर इस पे ना चिपके। अब हम ये मिक्सचर प्लेट के ऊपर निकाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे। मैंने थोड़ा घी इसके ऊपर डाला है। घी डालने से ये अपने हाथ को नहीं चिपकेगा। जैसे हम आटा लगाते हैं, वैसे ही हमें ये काजू का आटा लगाना है। हमें इसे अच्छे से गूंदना है और स्मूथ बनाना है। आप देख सकते हैं ये स्मूथ हो चुका है। अब हम हाथ में लेके इसे और थोड़ा स्मूथ बना लेते हैं। बटर पेपर को मैंने घी लगा के लिया है। वैसे इसे घी लगाने की जरूरत नहीं है, फिर भी ये इसे ना चिपके इसलिए मैंने ग्रीस कर लिया है। अब हम इसे बटर पेपर के ऊपर रख देंगे और इसके ऊपर दूसरा बटर पेपर लगा के रोल कर देंगे। हमें इसे हल्के हाथों से रोल करना है, नहीं तो ये फट सकता है। एक बार हम बटर पेपर उठा के चेक कर लेंगे। थिकनेस आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको मोटी काजू कतली चाहिए तो आप मोटी रखें, पतली चाहिए तो पतली रखें। आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट रोल हो चुका है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो प्लास्टिक पेपर को घी लगा के आप यूज कर सकते हैं। काजू कतली एकदम बाजार जैसी दिखे, इसलिए मैंने चांदी का वर्क लगाया है। नहीं लगाया तो भी चलेगा, ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे काजू कतली बहुत अच्छी दिखती है। अब हम इसे 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे।
एक घंटा हो चुका है, अब हम इसे कट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे एक स्केल और चाकू लिया है, कट कर लेंगे इसे। आप देख सकते हैं हमारी काजू कतली कट करके हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाऊंगी हमारी काजू कतली अंदर से कितनी सॉफ्ट बन चुकी है। आप देख सकते हैं अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम सारी काजू कतली प्लेट में निकाल देंगे। आप देख सकते हैं एक कप काजू में कितनी सारी काजू कतली बन चुकी है। आप ये रेसिपी घर पे जरूर ट्राई करना, और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।